इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने का केस, अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट राजा वकास ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त जमानत सुनने से इनकार कर दिया। आज अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील और पुलिस दोनों के पास कोई दलाइल ना थे। पीटीआई रहनुमा कमाद अजहर कहते हैं वाजे नजर आ रहा था कि पूरी एफआईआर जाली है और मजीद रिमांड मांगने का कोई जवाब नहीं। चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को गिरफ्तारी के हवाले से बयान पर फवाद चौधरी के अहले खाना से माजरत की। कहा फवाद चौधरी और उनके खानदान से बरसों पर मुहित नहायत एहतराम और अकीदत का रिश्ता है। कल के नादानिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मजरूह हुए, जिस पर अफसोस है। सुपर पावर की सुपर करेंसी की हाई स्पीड परवाह, रुपए की तारीखी बेकदरी, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी डॉलर की कीमत में 7 रुपए 7 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 262.50 रुपए पर ट्रेड, दो रोज में इंटरबैंक में डॉलर 31 रुपए 11 पैसे महंगा हो चुका है। IMF से इसी हफ्ते मुआयदा हो जाएगा, मुश्किलात से जल्द निकलेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान इस नहज पर खड़ा है जहां एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक आसमानी आफत आई और हम तबाही का शिकार हुए, हम मुश्किलात से निकलने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जारी, इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए जाब्ता अखलाक का मुसवदा तैयार कर लिया। जराए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जाब्ता अखलाक पर सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला कर लिया। 21 बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान को 2 फरवरी को बुला लिया।